प्रधानमंत्री का बयान पेपर की सील खुलने की बात गलत है। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। डोटासरा बोले, पेपर की सील खुलने की बात गलत है। शिक्षा मंत्री के कहना है कि अलवर के एक सेंटर पर पेपर देर से पहुंचने के कारण परीक्षा दोबारा होगी। आइए नजर डालते हैं परीक्षा को लेकर हुए कुछ सवालों पर। बात करें गंगापुर सिटी की, तो यहाँ पेपर लीक मानेंगे या नहीं इस पर राज्य सरकार क्या फैसला लेगी, पेपर लीक मानेंगे या नहीं इस पर पूरी जांच होगी। इसमें कुछ शिक्षकों और पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए हैं। इस पर फैसला होगा और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। अलवर के साथ साथ कुछ और जगह भी पहुंचा पेपर देरी से, इससे कुछ परीक्षार्थी रह गए परीक्षा से वंचित। अगर कोई भी ऐसा सेंटर है जहाँ परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वहाँ फिर से होगी परीक्षा। अलवर के कमला देवी महाविद्यालय डीकवर मदन निमराना में परीक्षा केंद्र पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से देर से पहुंचा पेपर। बताया जा रहा है कि यहां प्रशासनिक विफलता से हुआ है। 15 से 20 दिन के अंदर फिर कराई जाएगी परीक्षा। करीबन 600 अभ्यर्थियों की होगी परीक्षा। पेपर की सील खुली मिलने से परीक्षार्थी ठगा महसूस कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि हम परीक्षा कराने में विफल क्यों रहे, रीट के लिए भामाशाह और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं को सभी राज्यों के अभ्यर्थियों ने सराहा। कहा कि यह सिर्फ परीक्षा नहीं, रीटोत्सव हुआ है, यहाँ एक उत्सव की तरह मनाया गया है। यहाँ तक तिलक लगाकर सम्मान दिया और खाने पीने के इंतजाम किए। पेपर की सील खुली होने की बात अभी तक सही साबित नहीं हुई है। यहाँ तक कि ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया है जिनकी पेपर की तैयारी नहीं थी। अगर किसी पेपर से संबंधित कोई शिकायत है तो नोडल एजेंसी बोर्ड पर जाकर लिखित में दे, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।